हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने पेटीएम बैंक के पैसे को, जिसे हम पेटीएम पेमेंट बैंक भी कहते हैं, उसको अपने पेटीएम वैलेट के अंदर आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने पेटीएम से रिलेटेड टॉपिक पे और भी वीडियोज़ बना रखी हैं, उनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके और भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करती हैं। बैलेंस एंड हिस्ट्री है, पेटीएम बैंक है, पेटीएम वैलेट है। तो हमें बैंक से वैलेट में ट्रांसफ़र करने हैं, तो सबसे पहले मैं आपको वैलेट का अपना बैलेंस दिखा देता हूँ। तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अवेलेबल बैलेंस 35 रुपीज़ दिखा रहा है। अभी 35 रुपये है मेरे वैलेट के अंदर। अब यहाँ से बैक जाएंगे इस एरो पे क्लिक करके, और अब हमें पेटीएम बैंक के अंदर जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पासकोड, जो आपने पेटीएम बैंक अकाउंट बनाते टाइम डाला था, वो यहाँ पे डाल देना है। तो मैं जल्दी से डाल देता हूँ। फिर आप देख सकते हैं आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपकी ये कार्ड डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ पे ये मेरे अभी इसमें जो पेटीएम बैंक है, इसके अंदर 28 रुपये हैं। हम इसमें से 10 रुपये उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो इस भी वो कैसे करना है, ये जो आपको ये डेबिट कार्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ये व्यू एंड मैनेज योर डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा रहा है व्यू CVV एंड एक्सपायरी डेट। आपको इस पर क्लिक करना है, और फिर ये कार्ड की सारी डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो ये आपकी सारी डिटेल यहाँ पे ओपन हो गई हैं, जैसे हमने उस CVV वाले पे क्लिक करा, ठीक है। तो इन सारी डिटेल्स को आपको अब कैसे इसमें ऐड करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद यहाँ से इसे कैंसिल कर देना है, बैक आ जाना है, यहाँ से लॉग आउट कर देना है। उसके बाद आपको पेटीएम वैलेट के अंदर जाना है, यहाँ से ऐड मनी करना है आपको। जैसे मैं 10 रुपये करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, न्यू डेबिट कार्ड, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डेबिट कार्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है, और उस कार्ड की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल अप कर देनी है, और फिर डन कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। आप नीचे यहाँ पर 2 ऑप्शंस देख सकते हैं, सेव दिस कार्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट्स और लिंक योर पेटीएम बैंक अकाउंट टू UPI फॉर फास्टर पेमेंट्स। हम इन दोनों को अनटिक कर देंगे, हमें जस्ट 1 टाइम पेमेंट करनी है। तो ये पे 10 रुपीज़ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक OTP आपके फ़ोन के ऊपर आ जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल अप कर देना है, सबमिट कर देना है। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली 10 रुपीज़ इसमें ऐड हो गए हैं, और मेरा बैलेंस भी यहाँ पे 45 रुपीज़ हो गया है, जो पहले 35 था, ये देख सकते हैं आप। अब मैं आपको उसका बैलेंस दिखा देता हूँ। ये पेटीएम बैंक में जाएंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे नीचे, देख सकते हैं यहाँ पे 28 रुपये थे, 18 रह गए। तो इस तरीके से आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के पैसे को अपने वैलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेटीएम वैलेट में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।